Good morning students now i'm going to start magnetic field due to a current carrying solenoid we have already discussed on magnetic field due to a current carrying straight conductor and current carrying circular loop now this is the last topic of magnetic field due to a current carrying conductor okay not a last topic of this chapter i'm asking about magnetic field due to a current carrying conductor के तीन टॉपिक थे जिसमें आपको स्ट्रेट कंडक्टर था सर्कुलर लूप था और ये लास्ट है सोलिनोइड आफ्टर दिस वी विल डिस्कस ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल एंड मोटर ओके स्टूडेंट सो टूडेज टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड माई फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज सोलिनॉइड एंड इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ऑन cylindrical cardboard or plastic tube such that its length is greater than its diameter is called a solenoid the solenoid is from greek word for channel okay one question is come generally what is what do you understand by solenoid and draw the magnetic fill line is solenoid okay so you have to draw the diagram of solenoid and you have to draw also magnetic field line in outside of the solenoid and inside of the solenoid. You can see in outside of the solenoid it is come from north pole and from north pole to south pole in outside of the magnet. But inside the magnet it comes from south pole to north pole. Okay strength <clears throat> And solenoid it just behaves like a bar magnet.

अ करेंट कैरिंग सोलिनोइड बिहेवस लाइक अ बार मैगनेट विथ फिक्सड पोलैरिटीज एट इट्स एंड्स क्या बोल रहे हैं सोलिनोइड जो है वो एक बार मैगनेट जैसा बिहेव करेगा और बार मैगनेट के पास दो फिक्स्ड पोल होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो सोलिनोइड के पास भी होंगे बिकॉज सोलिनोइड बिहेव लाइक अ बार मैगनेट एंड थर्ड कैरेक्टिस्टिक इज अ करेंट कैरिंग एक्वायर्स द एट्रेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैगनेट ओके बार मैग्नेट क्या होता है लाइक पोल्स रिपल्स टू इच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू इच अदर सो सेम प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट इज ऑल्सो कंटेन अ सॉरे ओके स्टूडेंट्स नाउ डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड द एंड ऑफ द करेंट कैरिंग सॉलिन एट विच द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉक वाइज सिंपल सा फंडा यहाँ पे अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज ऐसा होगा डायरेक्शन ऑफ like करेंट इज एंटी क्लॉकवाइज आप करेंट का डायरेक्शन का एंटी क्लॉक वाइज दिख रहा है ओके स्टूडेंट दैट पोल और एट That end of the solenoid behaves as a north pole, and for anticlockwise and south pole for clockwise current. Okay, student. Now next, write the factors on which strength of magnetic field due to a current carrying solenoid depends. First is common point. दैट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करेंट आपको पता है बीस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई जितना ज़्यादा करेंट हो, होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड सेकेंड आप खुद देखें सॉल नॉइड में क्या होता है एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड होता है उस पर हम वायर कंटिन्यू बाउंड करते हैं आप जितने ज़्यादा टर्न्स बढ़ाओगे नंबर ऑफ टर्न उतना छो सॉल एंड नॉइट बनता है सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैगटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्नस पर यूनिट लेंथ ऑफ़ द सोलिनॉइड एंड नॉट ऑन द टोटल नंबर ऑफ द टन ऑन द सॉइड मतलब एक मीटर और एक सेंटीमीटर में जितने टर्स हैं उसके डायरेक्टली प्रपोशन होते हैं अगर आप बोलोग में तो पूरे सोलिनॉइड में हंड्रेड टन्स तो उससे मतलब नहीं है वो पर मीटर और पर सेंटीमीटर में कितना टर्स है उस पर डिपेंड करता है इट इज डॉट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ ट सोलिनॉइड बी इज डिपेंड ऑन द Number of turns per unit length. Now, it is the most important question generally, it comes in exams. Difference, write the difference between electromagnet and a permanent magnet. <coughs> so, electromagnet is also known as solenoid because when you make a magnet in the presence of electricity, that is known as electromagnet, you can know. And you can also make in your home an electromagnet is a temporary magnet as it as it can readily be demagnetized. Obviously, electricity ke present magnetic behavior de hai. Ab electricity ho, magnetic behavior is loose. Kar dega. So it is not a permanent magnet. So we can say that it is a temporary magnet as it can readily be demagnetized by stopping the current through the solenoid. Just opposite in the permanent magnet, we can write the अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी रेडिली डी मैग्नेटाइज ऑब्वियसली परमानेंट नाम से ही लग रहा है सो इट हैज फिक्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इट कैन नॉट बी रेडिली डी मैगनेटाइज सेकेंड टॉपिक और सेकेंड पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रो मैगनेट एंड इलेक्ट्रो मैग्नेट प्रोड्यूसेज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हुथ कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द करेंट थ्रू द सोलेनोइड आप जितना ज़्यादा सोरेनॉइड में किसी भी ऑब्जेक्ट में करेंट दोगे उतना अच्छे से वो प्रॉपर्टी देगा दैट्स साइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इसकी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो <coughs> तो बढ़ाओ कैसे जब करंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस अ स्ट्रॉग मैग्नेटिक फील्ड हुज स्ट्रेंथ कैन बी चेंज और इंक्रीज बाय द करेंट थ्रू द सोलिनॉइड एंड सेकेंड पॉइंट ऑन द परमानेंट मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज कम्पेरेटिवली वीक एंड इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड क्योंकि फ्रेंड्स परमानेंट मैगनेट में क्या होता है उसकी मैगनेटिक प्रॉपर्टी फिक्सड होती है और इलेक्ट्रोमैगनेटिक कम्पेरिजन एक ऐसा होता है वीक होता है सो वी कान्ट चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ मैगनेट इन परमानेंट मैगनेट सो इट इज़ कंपेरिटिवली वीक देन द इलेक्ट्रो मैगनेट थर्ड पॉइंट एंड लाइट इट इज़ लास्ट पॉइंट द पोलाइटी ऑफ एन इलेक्ट्रो मैगनेट कैन भी इजिली वी रिवर्स्ड बाई चेंगरे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोन रॉइड सोइन लॉइड में क्या होता है आप पोल के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो सपोज यहाँ पे करंट एंटी क्लॉक वाइज है तो इट इज़ नोन एज नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल है बिकॉज करेंट इज मूविंग इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो आप इसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हो जब यहाँ पर करंट एंटी क्लाक वाइज कर दो इसको टर्न कर देते हैं तो नॉर्थ पोल क्या होगा इस तरफ आ जाएगा साउथ पोल इस तरफ आएगा जैसे आप करेंट डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं सोइनोइड की पोलाइटी कैसी हो रही है चेंज हो रही है सो द पोलायिटी ऑफ एन इलेक्ट्रो मैगनेट कैन बी चेंज बाय द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट बट इन द इलेक्ट्रो मैगनेट वी कांट चेंज द पोलायरटी ऑफ द परमानेंट एंड परमानेंट मैगनेट बिकॉज परमानेंट मैगनेट हैज अ फिक्सड पोलायरटी एंड कैन नॉट बी ईजिली रिवर्स्ड ओके स्टूडेंट्स थैंक यू good morning students now i'm going to start magnetic field due to a current carrying solenoid we have already discussed on magnetic field due to a current carrying straight conductor and current carrying circular loop now this is the last topic of magnetic field due to a current carrying conductor okay not a last topic of this chapter i'm asking about magnetic field due to a current carrying conductor कि तीन टॉपिक थे जिसमें आपको स्ट्रेट कंडक्टर था सर्कुलर लूप था और ये लास्ट है सोलिनॉइड आफ्टर दिस वी विल डिस्कस ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड मोटर ओके स्टूडेंट सो टूडेज टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड माई फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज सोलिनॉइड एंड इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ऑन cylindrical cardboard or plastic tube such that its length is greater than its diameter is called the solenoid the solenoid is from greek word for channel okay one question is come generally what is what do you understand by solenoid and draw the magnetic field line is solenoid okay so you have to draw the diagram of solenoid and you have to draw also magnetic field line in outside of the solenoid and inside of the solenoid. You can see in outside of the solenoid it is come from north pole and from north pole to south pole in outside of the magnet. But inside the magnet it comes from south pole to north pole. Okay students. <clears throat> and solenoid it just behaves like a bar magnet. एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्निक फील्ड ड्यू टू अ करेंट कैरिक सोलेनॉइड फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म आपको खुद दिख रहा है ये साउथ पोल से निकल के नॉर्थ की तरफ फिर साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ फिर साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनॉइड सो मैग्नेटिक फील्ड इन साइड अ सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक अ करंट कैरिंग सोलिनॉय बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट विथ फिक्सड पोलैरिटीज एट इट्स एंड्स। क्या बोल रहा है सोलिनॉयड जो है वो एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा और बार मैग्नेट के पास दो फिक्स्ड पोल होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो सोलेनॉइड के पास भी होंगे बिकॉज सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज अ करेंट कैरिंग एक्वायर्स द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट ओके बार मैग्नेट क्या होता है लाइक पोल्स रिपल्स टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर सो सेम प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट इज ऑल्सो

एंड एट विच द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज एंटी क्लॉक आपके स्टूडेंट दोल और दैट एंड ऑफ दिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड फॉर एंटी क्लॉक वाइज एंड साउथ पोल फॉर क्लॉक वाइज करेंट ओके स्टूडेंट नेक्स्ट राइट द फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट कैरिंग सोलिनोइ डिपेंड्स फर्स्ट इस कॉमन पॉइंट देट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करेंट आपको पता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई जितना ज़्यादा करेंट होगा उतना ज़्यादा मैगेटिक फील्ड होगा एंड सेकेंड आप खुद देखें सोलिनॉय में क्या होता है एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड होता है उस पर हम वायर कंटिन्यू वाउंड करते हैं आप जितने ज्यादा टर्न्स बढ़ाओगे नंबर ऑफ टर्न उतना टोटल नंबर ऑफ द टन दोलिनॉइड मतलब एक मीटर और एक सेंटीमीटर में जितने टर्न्स हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर आप बोलोगे सोलिनोइड में तो पूरे सोलिनॉइड में हंड्रेड टर्न्स तो उससे मतलब नहीं है वो पर मीटर और पर सेंटीमीटर में कितना टर्न्स है उस पर डिपेंड करता है इट इज नॉट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वाइट बी इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नाउ इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली इट कम इन एग्जाम्स डिफरेंस राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैगनेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट सो इलेक्ट्रो मैग्नेट इज ऑल्सो नोन एज सोल्ड बिकॉज When you make a magnet in the presence of electricity, that is known as electromagnet, you can know. And you can also make it in your home an electromagnet is a temporary magnet as it as it can readily be demagnetized. Obviously, electricity ke present magnetic behavior electricity ka, magnetic behaviour loose. Kar dega. So it is not a permanent magnet. So we can say that it is a temporary magnet. As it can readily be demagnetized by stopping the current through the solenoid. Just opposite in the permanent magnet, we can write the A permanent magnet cannot be readily demagnetized. Obviously, permanent naam si lag hai. So, it has fixed magnetic property. It cannot be readily demagnetized. Now, second topic or second point on the electromagnet an electromagnet produces a strong magnetic field. हुज स्ट्रेंथ कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द करेंट थ्रू द सोलेनोइड आप जितना ज़्यादा सोलिनॉइड में किसी भी ऑब्जेक्ट में करेंट दोगे उतना अच्छे से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देगा दैट्स वाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट क्योंकि इसकी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो <coughs> तो बढ़ाओ कैसे जब करंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे सो एन इलेक्ट्रो मैग्नेट कैन प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैगनेटिक फील्ड हुज स्ट्रेंथ कैन बी चेंज और इंक्रीज बाय द

इलेक्ट्रोमैग्नेट। थर्ड पॉइंट एंड इट इज़ लास्ट पॉइंट द पोलाइटी ऑफ एंड इलेक्ट्रो कैन बी इजली बी रिवर्स्ड बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोलॉइट सोलन में क्या होता है आप पोल के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो सपोज यहाँ पे करंट एंटी क्लॉक वाइज है तो इट इज़ नोन एज नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल है बिकॉज करंट इज मूविंग इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो आप इसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हो जब यहाँ करंट एंटी वाइज कर दो इसको टर्न कर देते हैं तो नॉर्थ पोल क्या होगा इस तरफ आ जाएगा साउथ पोल इस तरफ आएगा जैसे आप करेंट डायरेक्शन चेंज कर रहे सोइनोइड की पोलैरिटी कैसी हो रही है चेंज हो रही है सो द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट वी कांट चेंज द पोलैरिटी ऑफ द परमानेंट परमानेंट मैग्नेट बिकॉज परमानेंट मैग्नेट हैज अ फिक्सड पोलैरिटी एंड कैन नॉट बी ईजीली रिवर्स्ड ओके स्टूडेंट्स Thank you.